यूपी में पुलिस ने अगर कस्टडी में लिया तो फिर जिंदगी का मालिक भगवान ही है। गोंडा में यादव परिवार के युवक के साथ जो हुआ उसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूछताछ के लिए थाने आए युवक की जान आखिर कैसे चली गई? पुलिस के जवाब से घर वाले संतुष्ट नहीं हो पा रहे। यूपी पुलिस पर सवाल उठने की दास्तान काफी पुरानी है। शायद ही कोई दिन जाता है जब प्रदेश में कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े ना हो जाते हों। इस बार गोंडा पुलिस की कस्टडी में यादव खानदान का चिराग बुझ गया है। इकलौते बेटे के पिता ने पुलिस पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और साफ कहा है कि पुलिस की कहानी पर उन्हें भरोसा नहीं है। नवाबगंज थाने की पुलिस और एसओजी की पूछताछ में युवक की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी आकाश तोमर ने नवाबगंज थाना अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह, एसओजी प्रभारी अमित यादव को सस्पेंड कर दिया है। थानाध्यक्ष के खिलाफ उन्हीं के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। युवक के चाचा ने पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी सुनिए और फिर हम आपको पूरी घटना की सच्चाई बताएंगे। वे कत्ल के सिलसिले में लड़के को बुलाए थाने पर, उसके जिसकी कत्ल हुई उसके मोबाइल में इसका नंबर था। ये लाइन मैन था, वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर से भी इसका काम, डॉक्टर का इससे भी काम, इसलिए इसका नंबर था उसमें। बस उसी में इसको बुला लिए थाने पर। तो हम आए, हमारे छोटे भाई जिनका लड़का है वो भी आए और प्रधान तुर्गान को मैंने बुला लिया कि आप भी चलाएँ, कुछ थाने पर हो जाए तो आप रहेंगे, जनप्रतिनिधि हैं। आए तो 3 बजे नवाबगंज थाना के कोतवाल उनका सौंप दिया लड़का का, उनके कार्यालय में बैठ गए। उन्हें ले गए लड़का दे दिन एसओजी वाले का, वो मारिन पीटिन कहा कि लड़का मरी का हूँ, हमें सबका नहीं बताएं। 5:30-6 बजे बताएं कि लड़का जी होश होगा है तो हाँ कुछ उसके तकलीफ होगा है, ले गए जिला अस्पताल, चले जाओ जिला अस्पताल। हम लोग जिला अस्पताल आए, यहाँ कहीं लते पता नहीं उसका, ढूंढते ढूंढते खड़े खड़े परेशान हो गए, तो अभी लाश लेके आए हैं सर। क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, उसको पुलिस वालों ने मार के मार डाला, ये लग रहा है क्या? इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि गोंडा में पुलिस द्वारा एक पिछड़े जात के युवक देव नारायण यादव को योगी की बेलगाम पुलिस ने कस्टडी में मार डाला। लखीमपुर में दलित बालिकाओं के साथ घटना के बाद गोंडा में पिछड़े की पुलिसिया सुलूक योगी सरकार में दलितों पिछड़ों पर अत्याचार की कहानी कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।